अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो चावल गोश है मेरे पास। ये 1 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। ये 2 चम्मच मैंने लिए मिर्च के, 2 चम्मच नमक के, 2 दादरी मिर्च के, ये 3 टमाटे, ये इमली, ये मैंने चावल भी भगो दिए हैं, ठीक है, पकी बासमती। आलू भी डालूंगी मैं इसमें, आलू मैंने काट के रख दिए। प्याज मैंने रख दिए हैं होने के लिए, क्योंकि इसका काम ज़रा ज़्यादा होता है बिरयानी का, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं प्याज भी दिखाती हूँ, चूल्हे पे रखे हुए हैं। हाँ जी, ये प्याज होने रख दिए ना, घी भी मैंने डाल दिया। अब ये ना प्याज हो जाएंगे ना थोड़े से गुलाबी, तो इसमें टमाटर डाल के, लहसुन डाल के, फिर मैं ना गला के ना कर दूँगी। ये साथ ही टमाटर भी डाल देती हूँ। बिरयानी बना रहे हैं बच्चों की शौक आज के पका के रहे बिरयानी। कितने दिन हुए हमने बिरयानी नहीं खाई, तो इसलिए मैं बिरयानी आज बना रही हूँ बच्चों के लिए। फिर पकाया काम आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने मुर्गी डाल दी है, साथ ही ना मुर्गी हो जाएगी ना, 2 मिनट लग जाएंगे, तो फिर मैं ना आलू भी डाल दूंगी इसमें। आपको पता ही चिकन बिरयानी तो सबको पसंद है, साथ ही ये प्याज भी हो जाएंगे अभी इसमें, साथ ही ये मुर्गी भी गल जाएगी। ये मैं आलू भी डाल रही हूँ साथ ही, बस पानी सूख जाए ना, फिर बाद में ना थोड़ा सा और फिर इमली डालूंगी, मसाले डालूंगी, क्योंकि अब अभी इमली डाल दी फिर आलू नहीं गलेंगे, इसलिए खटाई की वजह से अभी नहीं डालनी। अभी 5 मिनट ना ये आलू भी गल जाएंगे, गोश्त भी गल जाएगा, ये सारे जो मैंने आपको दिखाए थे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया मसाला, अभी 2 मिनट ना इसे भूनते हैं अच्छी तरह, घी भी आ जाएगा ना, फिर इसमें ना इमली डालते हैं, फिर हम प्याज पे रखते हैं। मैं इतने में ना चावल भी उबाल लूंगी मैं। हमारा चैनल देखा करें, लाइक करा करें, हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारी तारीफ करते हैं खानों की, आप हमें मैसेज करते हैं। नमक ना थोड़ा सा मुझे कम लगा है, मैंने डाल दिया। ये देखिए मसाला घी भी आने लग गया इसके ऊपर, कितना प्यारी माशाल्लाह रंगत हो गई, खुशबू भी आ रही है। ये मैं इमली भी डाल दी साथ, भगो के मैंने रखी थी इमली, वो भी मैंने डाल दी। इमली से ना जायका भी बन जाता है, खट्टी भी हो जाती है बिरयानी। ये ना चावल ना डाल रही हूँ इसके ऊपर ना, वो सालन डालूंगी इसके ऊपर जो मसाला बनाया हुआ है, तो फिर दम लगाएंगे। थोड़ा सा ना मैंने ना तेल भी डाल दिया था इसमें,
मैं इसके ऊपर ना सालन डाल दूँ। देखें कितना प्यारा माशाल्लाह तैयार हुआ है सालन। ऐसे ना तह लगा देनी इसके ऊपर। मैं तह लगा के ना दिखा रही हूँ आपको, है ना, ये सारे चावल माशाल्लाह। ये मैंने ना जर्दे करा कलर के लिए डाल दिया। मैं ना पानी नहीं डालती, ऐसे सूखा डाल देती हूँ, फिर वो खुद ही हो जाता कलर से। अच्छा जी, 10 मिनट ना दम के लिए। बिरयानी बनी है, मैं आपको निकाल के अब दिखाती हूँ। हमारी बिरयानी माशाल्लाह तैयार हो गई है और देखें कितनी प्यारी है। आप ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो पूरी देखा करें शुरू से आखिर तक, आपको सब समझ आ जाएगी मतलब कैसे मैंने पकाया है। इंशाल्लाह कल हम नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। आप भी हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें, हमें भी दे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।